प्रियंका जी, आपकी दोनों टांगों में परेशानी थी जब आप चलते थे तो बाहर को ऐसे पैर हो जाते थे, बॉडी अंदर हो, इसको जीनो वेलगम कहते हैं, और ये परेशानी आपकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इसको सही करने के प्लेट के साथ, नेल के साथ एक ही बार ऑपरेशन किया, सीधा किया और आप घर चले गए। आपने यहाँ का मेथड चुना जिसमें आपके कम से कम 5-6 महीने आप यहाँ रहे और इतना डिफिकल्ट, जबकि आप वो भी अफोर्ड कर सकती थी, तो आपने क्यों इस तरह का जो टेढ़ा मेढ़ा पाथ था, जो बहुत ही मुश्किल था, और आप सिंगापुर में भी करवा सकते थे, दिल्ली में भी करवा सकते थे, आपके पास फाइनेंसिस की भी कोई कमी नहीं थी, डॉक्टर्स की भी नहीं थी, तो आपने ये एलिज्रो वाला, हेक्सापॉड वाला क्यों चुना, क्या जर्नी में डिसीजंस रहे, वो प्लीज थोड़ा सा एनलाइटन कीजिए हम सबको, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे टर्न्स आए और अब तक क्या पोजीशन है। जी जरूर, तो मतलब बचपन से, आई थिंक मैं 6th क्लास में थी तब मुझे मतलब नोटिस हुआ कि मेरे पैर आई थिंक बाकी मेरे जैसे सिबलिंग्स की तरह नहीं है, थोड़ा तिरछे जा रहे हैं, और मतलब जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, अगर मैं थोड़ा तेजी से चलती थी, चल तो लेती थी, सारा काम कर लेती थी, बट थोड़ा तिरछापन आता था। फिर मैंने 10 ईयर्स पहले एक हॉस्पिटल में दिखाया था और उन्होंने बोला था कि 3 महीने एक पैर के लिए लगेंगे, और जो भी एक्सपेंसेस बताए थे, एंड इट वाज फॉर मतलब प्लेट एंड स्क्रूज जो भी था, पर उस टाइम मैंने कराया नहीं क्योंकि आई वाज जस्ट स्टार्टिंग माय जॉब। उसके बाद फिर मेरी मैरिज हुई एंड हम मतलब मैं अपने हस्बैंड के लिए क्योर ढूंढ रही थी, एंड दैट टाइम वी गॉट टू नो कि यहाँ पे हम दोनों का ही इलाज हो सकता है। फिर हम लोग यहाँ आए लास्ट नवंबर 2023 में, हमने सारे चेकअप कराए और हमने बहुत सारे वीडियोज देखे थे। मैंने अगेन मोला हॉस्पिटल का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे नॉकनीस के वीडियोस देखे थे जिसमें लोग क्योर होके गए हैं, एंड मतलब जर्नी बिफोर एंड आफ्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ मतलब ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करती इंसान का, किसी भी इंसान का, कि क्योंकि कोई भी किसी की जर्नी जानना चाहता है कि क्या हुआ। उसके बाद फिर हम यहाँ आए तो द फर्स्ट थिंग मतलब सर ने हमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया, जो कि हम बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अपने हस्बैंड के क्योर के लिए मतलब गए थे, पता कर रहे थे, आई थिंक अपॉइंटमेंट ही मिलना 3 मंथ्स, डॉक्टर ही नहीं अवेलेबल है, पैसे देने के बाद भी इलाज नहीं अवेलेबल है, पैसे देने के बाद भी टाइम लेना बहुत मतलब मुश्किल था। हम सोनीपत से दिल्ली ट्रैवल करते थे और फिर मतलब काफ़ी सारी डिफिकल्टीज थी, बट जब हम यहाँ आए आई थिंक पैसा इज इम्पॉर्टेंट, बट एक डॉक्टर जितना मतलब एक टाइम देता है, सारी चीजें देखता है, सर ने देखी सब, हमें समझाई, मतलब इवन मतलब हमारे सारे क्वेश्चंस को उन्होंने आंसर किया विद फुल पेशेंस। फिर हमने डिसीजन थोड़ा हमारे लिए टफ था कि जैसे हम दोनों को कराना था तो पहले ये था कि मतलब पहले हस्बैंड कराए या पहले मैं कराऊं, या पहले एक लेग का कराऊं फिर देखूं क्या रिजल्ट है, फिर दूसरे लेग का कराऊं, बट देन वी डिसाइडेड कि नहीं हम अपनी लाइफ का सारा टाइम भी इलाज में नहीं देना चाहते, लेट्स गो फॉर इट। एंड फिर हम मतलब कोई कमबैक नहीं किया, पहले मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ, एंड यहाँ पे सर पूरा स्टाफ सारी चीज़ें बहुत फ्रेंडली हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, और उसके बाद फिर मेरा ऑपरेशन 2 फरवरी को फर्स्ट लेग का हुआ, और सेकेंड ऑपरेशन मेरा सेकेंड लेग का 13 अप्रैल को हुआ। तो 5.5 मंथ्स का एलिज़ो मेथड से मेरा हुआ। इट वॉज अ बिट पेनफुल, बट आई थिंक जो रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे रहे। सर रोज देखते हैं, मतलब हम एज अ पेशेंट शायद हम कभी कभी थक जाते हैं, हमारा हम पेशेंट्स लूज भी कर देते हैं, बट सर विल टेल कि नहीं, यू आर हेयर फॉर सम पर्पज एंड यू हैव टू गेट दिस रिजल्ट, क्योंकि कल को अगर रिजल्ट नहीं आए तो इट इज़ वेरी ईजी टू ब्लेम कि हाँ आपने ठीक नहीं किया, बट सर विल रिमाइंड। इवन मेरा आई थिंक केवल टेढ़ापन नहीं था, मेरा FFD का भी प्रॉब्लम था, और जो मेरे फीट मतलब मेरे घुटने आगे की तरफ थे, वो बिल्कुल जब मैं ऐसे करती थी तो टच नहीं होते थे, 5 डिग्रीज का डिफरेंस था दोनों में, और जो मेरे फीट थे वो हमेशा ऐसे स्ट्रेट रहते थे, इन्होंने उसको 10-12 डिग्रीज उसको भी ओपन किया, मेरा तिरछापन सीधा किया, मेरे FFD को कवर किया, और मेरे जो फीट थे उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी लाए। ये सब चीज़ें मुझे पता भी नहीं थी, और इवन जब मैं 30 ईयर्स की हुई तो मुझे पता चला कि इस बीमारी को नॉक नहीं कहते हैं, मुझे पता भी नहीं था। तो सर ने मतलब
मतलब ऐसा नहीं कि बस इलाज कर दिया और उसको फिर मतलब छोड़ दिया कि ठीक है यू गो एंड डू योर क्लीनिंग एंड कम बैक फॉर मी. सर ने एक एक डिग्री मतलब माइनर से माइनर डिटेल्स चेक करी कि इसको हम और बेटर कैसे कर सकते हैं. आई थिंक मैंने अभी तक अपने मतलब जितने लाइफ टाइम या मेरे मदर फादर को भी हम कहीं डॉक्टर के यहाँ ले गए हैं, काफी ऑपरेशंस काफी चीजें हुई हैं, बट कभी मैंने इतना इन्वॉल्व नहीं देखा किसी को. आई थिंक एवरीबडी इज देयर फॉर मेकिंग बिजनेस, बट सर का मतलब मोटिव ऑब्वियसली नथिंग इज पॉसिबल फॉर विदाउट मनी, बट ही इन्वॉल्व हिम सो मच इन अ पेशेंट कि वो पूरा टाइम देते हैं, सेटिस्फेक्शन देते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रेयर, बहुत ही रेयर है ये. मैंने तो आज तक, मैं साउथ में भी 8 साल रही, वहाँ भी बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, अपोलो या क्या नहीं, आप किसी भी हॉस्पिटल जाओ, बट टाइम लेना एक डॉक्टर का इतना ज़्यादा बहुत मुश्किल है. और आई थिंक पेशेंट्स को कोई रखना भी नहीं चाहता इतने दिन कि वो रखें, उस पर काम करें, इन्वेस्ट करें. एवरीबडी वॉन्ट्स कि बस एक बेड खाली हो, दूसरा बेड भरे, दूसरा बेड खाली हो, तीसरा बेड भरे. सो इट इज जस्ट लाइक बिजनेस, बट इट इज वेरी रेयर टू हैव दिस काइंड ऑफ थिंग ओवर हियर. और हमारा दोनों का जर्नी बहुत अच्छा रहा, हम दोनों बहुत सेटिस्फाइड हैं अभी तक. और हम आई नो अभी हेल्प वाइज हमें और चीजें काम करनी है और डे बाई डे बेटर करना है हमें, तो हम काम कर रहे हैं. इसीलिए हम यहाँ पे सर से आए हैं, अभी जो भी उन्होंने फीडबैक दिया हम उस पर काम करेंगे. एंड मतलब जब भी हमारे पास पॉसिबल डेफिनेटली है, साल में 1-2 बार 3 बार हम यहाँ आएंगे और सर से फीडबैक लेते रहेंगे. एक्चुअली हम हर चीज़ पे काम करते हैं बट अपनी हेल्थ को सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं. तो यही है कि हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सर ने सारी एस्पेक्ट्स में काम करके हमारी काफ़ी हेल्प की है, विच आई थिंक अगेन मतलब हम बहुत ज़्यादा ही थैंकफुल हैं. जितना भी कहें इसको शब्दों में कम है बयां करना. तो दैट्स इट. थैंक यू प्रियंका. प्रियंका को नॉक नी था. नॉक नी मीन्स पैर बाहर होते हैं और घोड़े जो हैं अंदर को होते हैं. 99.9% इस परेशानी को इसी रूप में ही देखा जाता है, इसी प्लेन में ही देखा जाता है कि ये ऐसे हो गए. इस प्लेन में, उसके राइट एंगल के प्लेन में, जहां घोड़े मुड़े हुए भी हैं, मुड़े हुए दूसरे प्लेन में है, वो उसके कारण इन्हें खड़े होने में थकावट हो जाती है. ज्यादा देर लिए खड़े नहीं हो सकते, ज्यादा देर लिए चल नहीं सकते. इसका मालूम इनको हमने बताया. वो वाली जो चीज थी वो भी हमने दूसरे प्लेन को भी सेटल किया. सामने से तो आपने सेट की एक चीज को, जो पीछे छिपी हुई चीज है उसको भी ढूंढा भी और उसे सेट भी किया. उसके अलावा तीसरी एक और चीज है. तीन प्लेन्स होते हैं किसी भी चीज को ठीक करने के. एक ये उसके राइट एंगल पे, एक ये, तीनों के तीनों एक दूसरे के राइट एंगल से होते हैं. किसी भी डिफॉर्मिटी को तीनों एंगल्स पे अगर रिजॉल्व करना है वो बेस्ट रिजॉल्विंग होती है. इनको अगर हम सिर्फ जिनू वार्गम सही कर देते तो पैर जो थे थोड़े से अंदर को थे, तो ये ऐसे ऐसे ही चलते रहते. ठीक जी, तो इनसे पूछ के सारा डिस्कस करके पैर को बाहर भी किया, जो नी ज्वाइंट बाहर थे उन्हें अंदर किया, जो नी ज्वाइंट आगे को थे जो इन्हें थकान देते थे, थक जाते थे, उन्हें भी सेटल किया. और इनकी लेंथ हाइट, इनकी हाइट में भी डिफरेंस आया. और हर एक चीज को माइन्यूटली 0.01 डिग्री तक फंक्शन के साथ कंपेयर करके सेटल किया दोनों साइड्स, जो कि बहुत बड़ी बात है. और इस तरह की पेशेंस होना किसी पेशेंट में, वो उससे भी ज्यादा बड़ी बात है. क्यों? ज्यादातर पेशेंट जो बाहर है उसे सीधा करवाया, वो भी खुश, सब तो भी खुश. मरीज को ये पता ही नहीं होता कि जो दूसरे दो प्लेन्स हैं वो भी डिस्टर्ब्ड है. आपको भी नहीं मालूम, लेकिन अब आपको मालूम है वो ठीक करने से आपको क्या फर्क पड़ा. एक डिफॉर्मिटी को, जैसे आपका सामना से चेहरा है, पीछे से कैसे है, नीचे से कैसे है, सब तरफ से जब तक उसे रिजॉल्व नहीं करेंगे, टोटेलिटी में वो नहीं करेंगे, तो उसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं है. आपको भी मालूम होगा,
इसीलिए हेड सपोर्ट लगा के एक एक बार दो दो बार तीन तीन बार इनको रिजॉल्व किया। मेरे हिसाब से जो इनके एक्सपेक्टेशंस थे उससे परमात्मा ने ज्यादा से नवाजा है। और सब जो भी कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए तो ये बूम है, ये वरदान है कि वो काम भी करेंगे, वर्क फ्रॉम होम इजिली कर सकते हैं। आपने काम नहीं छोड़ा, आपने भी काम नहीं छोड़ा, आपका जॉब भी चलता रहा, आपकी ऑलमोस्ट इंश्योरेंस से जो भी कवरेज थी वो भी मिल गई और आप ठीक भी हो। लेकिन उसके लिए एक डिसीजन लेना पड़ता जो कि इतना आसान नहीं होता जितना आपने बना दिया। सर वही है किसी लाइक ये हमारे जो था लाइफ चेंजिंग, इसको सक्सेसफुल होने के लिए कई सारे फैक्टर्स थे, बट वन फैक्टर जो हमारे ऑफिस में हमारे मैनेजर्स ने सपोर्ट किया कि ठीक है गिवन वर्क फ्रॉम होम, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिली, मेरे हस्बैंड साथ थे हर दिन, मतलब मेरा साथ देना, कभी कभार मैं टूट भी जाती थी साथ देना। तीसरा दी अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इलाज, डॉक्टर सर और उनकी टीम, तो बहुत सारे फैक्टर्स है बट दीज आर द थ्री वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से ही मतलब हो सकता है। बट हाँ आप अपने हेल्थ को जरूर प्रायोरिटाइज कीजिए। और समटाइम्स सर मैंने मतलब यहाँ से जाने के बाद जब मैंने पोस्ट डाला तो मुझे बहुत से लोगों ने कॉन्टेक्ट भी किया कि तुमने कहाँ से कराया कैसे कराया। लोगों के इंश्योरेंस है बट फिर भी कुछ लोग हिम्मत नहीं बना पाते। वही मैं कहता हूँ वो हिम्मत लेना, वो उस चीज को ट्रिगर करना। उसके बाद जब इनके हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ उसके 20 दिन के बाद आपने करा लिया, इनके हस्बैंड कह सकते थे भाई मेरा ऑपरेशन हुआ है अभी 20 दिन नहीं हुए, मैं ठीक तरह से वॉशरूम नहीं जा सकता। आप कैसे वाइफ हो, सारी उम्र पड़ी है, करवा लेना, कहाँ होते हैं दोबारा दोबारा। और इनके लिए इन्होंने सर्च किया, इन्होंने सर्च किया और इन्हें कंपेल किया, जब इनका सही हो गया फिर इन्होंने इन्हें कंपेल किया आप भी करवा दो, फिर एक साइड का हुआ, यहीं रहते हुए 2 महीने बाद इन्होंने दूसरी साइड का भी करवा लिया। तो ये डिसीजन लेने भी कोई आसान नहीं होते हैं। वही बात जो आप कह रहे हैं जो कंप्यूटर इंजीनियर है उनके तो पैसे ही नहीं लगने, ऑलमोस्ट नहीं लगने हैं, लेकिन डिसीजन लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने डिसीजन भी ले लिया और आप धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये वाला इस तरह से चल के आप बहुत ज्यादा दिन नहीं रह सकते थे, बहुत ज्यादा दिन नहीं रह सकते थे, कहने का मतलब है आपके जोड़ जो थे घिस जाने थे बहुत जल्दी, तब भी तो ऑपरेशन करवाना था। आपका जो पैर टेढ़ा था जहां पे वो बननी शुरू हो गई थी, कोई भी चीज खराब होते पैर को भी ले जाते, लेकिन आपने टाइम पे डिसीजन लेके उसको सेटल करवा लिया। और आई थिंक दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जितना जल्दी पता लगे। सेकेंडली सबसे बड़ी बात है दे आर यंग कपल, ये इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि ये हुआ लोग करवा सके, ताकि इन्होंने इतनी वीडियो देखी हैं, इनकी भी वीडियो देख के कोई ना कोई प्रेरित हो सके, इससे उत्साहित होके ऑपरेट करवा ले। अदरवाइज हर कोई कहता है डॉक्टर मेरी वीडियो मत डालना प्लीज, मेरी वीडियो मत डालना प्लीज, मेरी वीडियो मत डालना। अरे आप वो सात समुंदर पार से एक पेशेंट आया ठीक हो गया बिल्कुल, मेरी वीडियो मत डालना, वहां कोई इलाज नहीं उसका हो सका, उसका इलाज उन्होंने कहा था पैर का करेंगे, हमने उसका गोडे का इलाज नी ज्वाइंट का किया, उसका नी ज्वाइंट भी ठीक हो गया, पैर भी जोरदार हो गया ठीक ठाक, बस वीडियो मत डालना प्लीज, वीडियो मत डालना, हमने नहीं डाले। लेकिन इस तरह के जज्बा होना कि किसी का फायदा हो जाए बहुत बहुत बड़ी बहुत मैच्योर बात है, और आई थिंक दे डिजर्व ए वेरी बिग क्लैप। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम वी मीट 10 kg less, और जो जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको वो करना है, प्रेफरेबली आप स्पोर्ट शूज पहने। हाँ जी सर। और 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा हाँ। बॉडी को जरूर दे दे। जाओ बेस्ट ऑफ जर्नी। अमेरिका में मुड़ के वापस जाओ।